15 मिनट न्यूज चैनल देख लू ना बैठ के घर पे, तो ऐसा लगता है कि भैया पाकिस्तान वाले घर के बाहर ही खड़े हुए हैं और अभी हमला कर देंगे, घर में घुस जाएंगे। इनका घर पहुंचते पहुंचते गड्ढा तो देखिए, पता नहीं गड्ढे तो इतने सारे हैं कि ये समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं गड्ढों में सड़कें हैं। अब तो 10 स्मार्ट सिटी दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश को। हाँ बिल्कुल, आप बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। गंगा सफाई हो गया है। हाँ गंगा कितनी बेहतरीन साफ हुई है देख लीजिए। पहले तो आप ये देखिए कि गंगा साफ में कम से कम आप ये समझिए कूड़ा करकट ही निकलता था, अब तो लाशें निकल रही है गंगा से। योगी जी को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 0। अगर उससे भी नीचे है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एक बात है, अखिलेश जी को कितना नंबर देंगे? ये नंबर देगी देश की जनता। कितने नंबर देंगे भैया आप? 10 में से 10 मिलेंगे। योगी जी ने कहा बड़े बड़े कद्दावर जो है, बाहुबल जो है, वो जेल के अंदर। योगी जी तो खुद अपराधी है। आप अपनी पार्टी को अगर पताल कहते हैं तो वो पताल ही ठीक है। अरे है ही पताल, पार्टी आपकी पताल ही है। ये भारत जलाओ पार्टी है, ये पार्टी बिजनेसमैनों की पार्टी है। इस पार्टी के अंदर देश की गरीब जनता के लिए, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैफ। लगातार आप हमें देख रहे हैं और जनता की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है वो निडर है, बेबाक है, मोहित शर्मा है। लखनऊ में आपका सबसे पहले मोहित जी स्वागत है। कैसे वाला स्वागत है? वो जो एक फिल्म आई थी ज्वाली एलएलबी वाली, देखा था, उसके गोली लग गई थी लॉयर के, तो वो वाला स्वागत है या दूसरे वाला स्वागत है, ये पूछता हूँ आपसे सबसे पहले। मुस्कुराइए, लखनऊ में है तो वो वाला ही स्वागत कर रहे हैं आप, मतलब चाहते हैं कि गोली लगे, इंतजार कर रहे हैं इस बात का। लेकिन कोई बात नहीं, देश के खातिर, इस देश के खातिर तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई है, देश के खातिर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो उनमें से एक आप हमें भी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को तो आप देख ही रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की घटना में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आप सर पे हेलमेट नहीं देखते हैं, और सरकार इसमें आप ये समझिए कि पुलिस की गलती ठहराती है। मतलब अगर कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, तो उसमें अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, कुछ पुलिस वालों को, कुछ ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सरकार अपनी नाकामयाबी का ठीकरा, अपनी गलतियों का ठीकरा अधिकारियों पे फोड़ देती है, जबकि ये नहीं सोचती कि अधिकारी किसके अंडर काम करते हैं। आप एक एसपी को, एक डीएसपी को, एक डीएम को सस्पेंड करके आपका समझते हो मुद्दा दब जाएगा, और यही ये काम करते हैं, उसको डीएम को सस्पेंड कर देंगे, एसडीएम को सस्पेंड कर देंगे, सिर्फ उसके बाद वो दोबारा से ड्यूटी पे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि परमानेंट के लिए हो गया। लेकिन आप अधिकारियों के ऊपर अपनी सारी गलतियों का ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है? सरकार और देश के नेता अपने ऊपर इस ठीकरे को क्यों नहीं लेते हैं? चला तो वो रहे हैं सारे देश को, फर्क इतना सा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बस इतना सा ही फर्क है। मोहित जी आप आए हैं या बुलाए गए हैं? नहीं हम आए हैं, बुलाएगा कौन हमें ये बताइए, बुलाएगा कौन? जिस तरीके से हमें बिहार में किसी ने नहीं बुलाया, बंगाल में किसी ने नहीं बुलाया, इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी किसी ने बुलाया, पूरा प्रदेश हमारा है, पूरा देश हमारा है, तो देश में कहीं भी लोगों को आने जाने की आजादी है, और अगर आप इस आजादी को भी बैन कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। 2022 तक आप उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर रहेंगे, और देश की जनता को समझाएंगे कि 9 महीने से ज्यादा सड़क पर बैठा हुआ देश का किसान कैसे मजबूर है, 650 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हुई है, और सरकारें सिर्फ ये बताती हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, कहीं पे आप देखिए चाइना हमला कर रहा है, कहीं पाकिस्तान हमला कर रहा है। 15 मिनट न्यूज चैनल देख लू ना बैठ के घर पे, तो ऐसा लगता है कि भैया पाकिस्तान वाले घर के बाहर ही खड़े हुए हैं और अभी हमला कर देंगे, घर में घुस जाएंगे 15 मिनट न्यूज चैनल देखने पर। अच्छा, तो ये ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है इन लोगों। घंटा घर पहुंचते पहुंचते कहीं रास्ते में गड्ढा वड्ढा तो नहीं मिला होगा आपको? घंटा घर पहुंचते पहुंचते गड्ढा तो देखिए, पता नहीं गड्ढे तो इतने सारे हैं कि ये समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं गड्ढों में सड़कें हैं, यही नहीं पता चलता। और यही है योगी जी का विकास, योगी जी का विकास आप देख लीजिए कितना बेहतरीन योगी जी का विकास है। और आप ये देखिए, पहली बार मैंने लखनऊ के अंदर शायद कोई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो जो 2 मिनट में रोड पे तारकोल जो बिछता है वो सूख जाए। योगी जी दिन में रोड बनवा रहे थे, बताइए दिन में रोड कौन बनवाता है भैया? रात में आप क्या करते हैं? मुझे लगता है ये लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं, रात में लेबर को भी घर से बाहर नहीं निकलने देते कि रात में रोड भी नहीं बनेगा, लॉकडाउन का पालन करो, घर में बैठो, रोड बनाना है तो दिन में बनाओ, पब्लिक को परेशानी होती है तो होती रहे, क्योंकि हमारा तो काम ही है पब्लिक को परेशान करना, हम तो ये देखते हैं कि घर में सुरक्षित कौन है, शांति से कौन बैठा है, उसे जाओ और परेशान करो, ये इन लोगों का प्रोपोगंडा एजेंडा है। अब तो 10 स्मार्ट सिटी दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश को। हाँ बिल्कुल, आप बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आप बुर्ज खलीफा पे खड़े हैं, कौन सी स्मार्ट सिटी बताइए? अरे भैया 100 स्मार्ट सिटी का दावा करते करते आप अपनी औकात पे 10 पे आ गए, 15 लाख का वादा करते करते अपनी औकात पे 5 किलो गेहूं पे 5 किलो चने पे आ गए, ये सरकार के वादे थे। 2 करोड़ रोजगार पे 4 लाख पे आ गए, वो भी पता नहीं है कहां दिया है। ठीक है, अभी तो जनता बुलेट ट्रेन का इंतजार करते करते थक गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से एक और ऐलान कर दिया, वंदे मातरम ट्रेन चलेगी। अब बुलेट ट्रेन का इंतजार करें, वंदे मातरम का चले,
ये तो बताइए, सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री जी की नहीं है, गलती आपकी है, देश के चौथे स्तंभ की है। प्रधानमंत्री जी को पता है कि यहाँ से 100-100 करोड़ के पैकेज का ऐलान करके चला जाऊंगा, किसी में इतना दम इतनी ताकत नहीं है कि कोई मेरे मुंह पे माइक लगा के पूछ ले कि ये 100 करोड़ का पैकेज जो मैं अनाउंस करता आ रहा हूँ, ये पैकेज आएगा तो आएगा कहाँ से। वो 20,000 करोड़ का चूरन देके गए थे, वही खत्म नहीं हुआ, वो हजम नहीं हुआ हमारे गले से, फिर 100 करोड़ का पैकेज, जहां सुनो 100 करोड़। अरे भैया 100 करोड़ होगा या 2 रुपए होगा कि हर जगह हर नेता 100 करोड़ ही बांट रहा है? ऐसे ऐसे इनलॉजिकल बात इनकी पार्टी के नेता करते हैं। कोई कहता है हमने गंगा साफ करने का काम करा है, पता चलता है उस राज्य में गंगा ही तो नहीं। गंगा सफाई हो गया है, देख। हाँ, गंगा कितनी बेहतरीन साफ हुई है देख लीजिए। पहले तो आप ये देखिए कि गंगा साफ में कम से कम आप ये समझिए कूड़ा करकट ही निकलता था, अब तो लाशें निकल रही है गंगा से। कितनी बेहतर गंगा साफ हुई है आप देख ही सकते हैं कि जब रेत उड़ती है, आंधी चलती है, रेत उड़ती है तो वहां से लाशें निकलती हैं जो रेत में दफन कर दी गई थी। कितनी बेहतरीन हिंदू की सरकार चल रही है ना, हिंदुत्ववादी सरकार। अच्छा लगता है आपको योगी जी के राज में कितनी हिंदुत्ववादी सरकार है कि भैया ये देखिए कि लाशों को गंगा जी में बहा दिया और लोगों को लकड़ी नहीं मिली तो उन्हें दफना दिया। कितनी बेहतरीन सरकार चल रही है। डर नहीं लगता इतना बेबाकी से आप लगातार बोलते रहते हैं, मुकदमों से डर नहीं लगता क्या? मुकदमों से हम क्यों डरेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब सदन में खड़े होकर रो देते हैं मुकदमों को लेकर, तो हमने तो कोई चोरी डकैती कोई बलात्कार कोई अपराध नहीं किया है क्या? इस देश के अंदर सच बोलना गुनाह है तो आप कहिए कि हम गुनहगार हैं। हम तो कहते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम तो सरकार के खिलाफ बेबाकी से बोलते हैं। और इस सरकार में कोई भी आए, आने वाली सरकारें कोई भी हो और भी कोई भी सरकारें होंगी, जब युवा परेशान होगा, जब लोग रोटी कपड़ा मकान मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होंगे, आज देश की सरकारों को, देश के मीडिया चैनल्स को, टीवी चैनल्स को, वहां पर अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर प्लेन पे लटके हुए वो अफगानिस्तानी लोग नजर आ जाते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब इस देश का माइग्रेन, इस देश का लेबर नंगे पांव रोड पे चल के जा रहा था, इन्हें वो दिखाई नहीं दिया। सरकार के पास माइग्रेन का कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने माइग्रेन कितने लेबर्स मरे। सरकार के पास 2016 से लेकर अब तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी, इस बात का आंकड़ा नहीं है। कितने लोग बेरोजगार हुए, सरकार के पास इस बात का आंकड़ा नहीं है। सीधे बात करते हैं 2022 की। 2022 में सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री कौन बेहतर है आपके हिसाब से? देखिए ये फैसला उत्तर प्रदेश की जनता का है और उत्तर प्रदेश की जनता मेरे ख्याल से किसको स्वीकार करेगी? अखिलेश यादव को। किसको स्वीकार करेगी भाई? आप दूसरे के ऊपर ठेकरा फोड़ देते हैं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए अगर मेरे एक वोट से बनती है, चलिए आज यही बता दीजिए, अगर मोहित शर्मा के एक वोट से बनती है तो मोहित शर्मा आपके सामने बताते हैं। मोहित शर्मा तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बाद में चेंज करेंगे, फिर तो प्रधानमंत्री पहले हटवाएंगे भैया। प्रधानमंत्री को पहले हटाना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का, देखिए प्रधानमंत्री जी का तो एक ही एजेंडा है, उनको तो सिर्फ झूठ झूठ और झूठ झूठ के भरोसे उनकी नाव चल रही है। और ये नैया 2024 में टिकने वाली नहीं है, और इस नैया के सहारे आपको बताऊं 22 में नैया डूबेगी आधी और 24 में पूरी डूब जाएगी। फिर देखते हैं कि कितने ऑस्ट्रेलिया वाले योगी जी को बुलाते हैं और कितने अमेरिका वाले, कनाडा वाले, जिनको भी बुलाना है ना आप बुला सकते हैं। 22 के चुनाव के बाद योगी जी फ्री हैं, बिल्कुल एकदम फ्री हैं वो, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। फिर आप चाहे ऑस्ट्रेलिया घुमाइए, कैनबरा घुमाइए, जहां मर्जी घुमाइए। अच्छा, यहां लखनऊ में पहुंचते-पहुंचते आपको किसका विकास सबसे ज्यादा दिखा है? विकास क्या, जब आगरा से चढ़े तो भैया एक्सप्रेसवे पे सबसे पहले विकास आप समझ ही गए होंगे किसका नजर आया। फिर उसके बाद आपने, जी जी बिल्कुल, फिर आपने गोमती रिवर फ्रंट पे बुला लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये विकास कहां पर है। यहां खड़े हैं बिल्कुल, हाँ आप खड़े हुए यहीं पर, आप देख लीजिए। लेकिन योगी जी का विकास कहीं नजर नहीं आया है। योगी जी के विकास की आड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास नाम के इतने सारे बच्चे पैदा हो गए, लेकिन इनका विकास नजर नहीं आया कि इनका विकास कहाँ है और पता नहीं कब आएगा इनका विकास। पूरे देश को इंतजार है कि इनका विकास कब आएगा, धरती से प्रकट होगा या डायरेक्ट आसमान से प्रकट होगा। महिलाओं को लगातार सम्मान दे रहे हैं, देखिए वायरल हुआ वीडियो किस तरीके से एक महिला कुर्सी पे बैठी है, चेयर पे, और योगी जी खड़े होकर उसका सम्मान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं, मैंने कब मना करा कि बीजेपी वाले सम्मान नहीं देते? देते ना, मनोज तिवारी ने सम्मान दिया, एक शिक्षिका का अपमान किया, कुलदीप सिंह सेंगर इनकी पार्टी के एमएलए ने एक महिला के साथ बलात्कार किया, सम्मान तो बखूबी दे ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और ये देखिए कि जिनकी वीडियोस को लगातार भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल्स हो चाहे इनके पार्टी के नेताओं वीडियोस को वायरल करते हैं, वो लोग महिलाओं पर कैसी टिप्पणी करते हैं कि जो पार्टी में महिलाएं हैं इस तरीके के शब्द हमें शोभा नहीं देते, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी भी माँ है और मेरी भी बहन है और हम किसी के लिए इतनी इस तरीके की विवादित टिप्पणी नहीं कर सकते। योगी जी को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 0, अगर उससे भी नीचे है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, योगी जी किस बात के लिए आप आए? उससे पहले एक भाई ने इंटरव्यू, महंत है वो भी, योगी जी किस बात के लिए महंत है? देखिए गोरखपुर में महंत थे वो। चलिए एक बात मुझे बताइए, ऐसे आप 4 महंतों का नाम बताइए जो राजनीति करते हो, बताइए
अयोध्या के अंदर। शंकराचार्य जी कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं? शंकराचार्य नरसिम्हा जी, देखिए वो भी तो उन्हीं की बात कर रहा था। उन्होंने कैसा बयान दिया, उनको भी महंत कह देंगे आप? उनको भी महंत कह देंगे? शंकराचार्य जी आप देख रहे हैं, वो कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं जरा ये बताइए। विश्व ऋषि हुए, पराशर ऋषि हुए, परशुराम जी हुए, बहुत सारे ऋषि महात्मा हुए, साधु महात्मा हुए, कहाँ उन्होंने कभी आपने देखा कि राजनीति करी हो या राजभोग उन्होंने, बल्कि राजा महाराजा उन्हें बुलाया करते थे तभी उन्होंने कभी ये इच्छा नहीं करी कि हमें भैया राज्य में रहना है, सोने के राज्य में रहना है, नहीं इच्छा करी। तो भैया योगी जी तो आप ये देख लीजिए, जनता को दुखी दुख दुविधा में डालकर खुद ऐश ले रहे हैं। और ऐसे योगी जी नहीं, उनका नाम लेकर अगर आप प्रश्न करें तो उस प्रश्न का जवाब देने में मुझे भी मजा आएगा। बहुत अच्छा नाम लीजिए, अजय सिंह बिष्ट। क्योंकि जब इस देश के अंदर एक चूड़ी बेचने वाला अपना नाम बदलता है तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति खड़ी होती है कि उसने नाम बदलकर चूड़ी बेची। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना नाम बदलने के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम बदल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अपराधी पाताल चले गए हैं, जिस तरीके से योगी जी ने कहा, बड़े बड़े कद्दावर जो है, बाहुबल जो है, वो जेल के अंदर। योगी जी तो खुद अपराधी हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे योगी जी के ऊपर, आपको नहीं पता? सदन में खड़े होकर कैसे रो रहे थे, आपको पता ही है। तो जब आप अपराधियों को पार्टी में ज्वाइन करा लेंगे तो वो पाताल कहां से जाएंगे? आप अपनी पार्टी को अगर पाताल कहते हैं तो वो पाताल ही ठीक है, हर है ही पाताल। पार्टी आपकी पताल ही है, ये भारत जलाओ पार्टी है, ये पार्टी बिजनेसमैनों की पार्टी है। इस पार्टी के अंदर देश की गरीब जनता के लिए, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश जी को कितना नंबर देंगे? ये नंबर देगी देश की जनता, कितने नंबर देंगे भैया आप? 10 में से 10 मिलेंगे पूरे। मायावती जी को? मायावती जी को ये जनता बताएगी कितने नंबर देंगे भैया आप? 4 नंबर। अच्छा, जिस तरीके से कल्याण सिंह जी के देहांत के बाद देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शोक का लहर है, इसे आप कैसे देखते? बिल्कुल, बहुत बड़ा शोक का लहर है, इतना बड़ा शोक का लहर है कि किसान अगर धरना देने के लिए बैठ जाएं तो भैया किसानों से कहा जाता है कि कोविड का उल्लंघन हो रहा है। अभी आपने देखा शोक सभा में कितने सारे लोग आए, खाने के लिए हलवाई भी 100+ लगे हुए थे हलवाई भी। तब कोरोना नहीं होता, कोरोना मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना किसी से नहीं डरता। ना तो वो आपके वो 5 रुपए वाले मास्क से डरता है, ना आपके उस सैनिटाइजर से डरता है। डरता है तो पता है किससे? चुनावी रैलियों से। और अभी चुनावी रैली आ रही है तो क्या कोरोना नहीं है? अभी देखेंगे, चलिए उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा यकीन है भारतीय जनता पार्टी कोरोना के नियमों का पूरा पालन करेगी। ना उत्तर प्रदेश में योगी जी एक भी रैली करेंगे, ना प्रधानमंत्री जी। से एक बात याद आ गई है, आपके सारे इंटरव्यू में आप मास्क क्यों नहीं लगाते, इसका क्या मुकदमा नहीं होता क्या पर? किस पे? अब आप एक बात बताइए, मास्क हम लगाते हैं जब इंटरव्यू देते हैं, आप भी तो मास्क नहीं लगा रखे हैं। अभी की बात नहीं, पहले की। अभी की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों, अभी कोरोना खत्म हो गया है बताइए? तो स्कूलों को स्कूल खोल दिया गया, बता रहे तीसरी लहर आएगा लेकिन फिर भी स्कूल खोल दिया गया। अरे आप ये देखिए ना, इतने सारी जनता खड़ी है, नहीं इतनी सारी जनता खड़ी है और आप पीछे भी देखते हैं जब मास्क नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि हम सरकार की गाइडलाइनों का फॉलो करते हैं। अब आप एक बार बताइए, रेल में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मास्क चाहिए, कंपलसरी है। तो हम तो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, बट सरकार जो है, जो सरकार यूं नहीं कहती कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मास्क लगाते। प्रधानमंत्री जी के किसी बैनर पर मास्क लगा देखा आपने? बताइए, प्रधानमंत्री जी हर बार भाषण देने आते हैं, ऑक्सीजन को लेकर बात करो तो मन की बात करते हैं ये भैया। जब ऑक्सीजन की बात करो तो इन्हें नजर आता है आम का सीजन, ऑक्सीजन भी इन्हें ठीक से सुनाई नहीं देती। और इनसे कोई कह दे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मरे तो साफ इनकार कर देते हैं। पूरे देश ने देखा ऑक्सीजन की कमी हुई। आप तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को देखिए, उनकी रिपोर्ट्स को पढ़िए आप, उन्होंने जाहिर करा इस बात को लेकर। और ऑक्सीजन की कमी यूपी एडवांस है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, सबसे एडवांस है टेक्नोलॉजी में। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी होती है कोविड काल के दौरान। उत्तर प्रदेश इतना एडवांस है कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कोविड से पहले भी ऑक्सीजन की कमी आया, नंबर वन आया है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण। कोविड से पहले तारीफ की है मोहित जी, WHO ने भी तारीफ की उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, इनकी तारीफ तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले भी कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हम तो भेजने को तैयार हैं, आप जैसे लोग रोक के पड़े हुए हैं। देश की जनता जो भी चंदा इन्होंने जिस लायक छोड़ा है वो इकट्ठा करके इनको भेज देगी अगर ये जाना चाहते हैं तो। ब्राह्मण खतरे में है कि नहीं उत्तर प्रदेश? देखिए खतरे में कोई नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में तो हिंदुस्तान को डाल रखा है इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान खतरे में है। सरहद पे जवान खतरे में है, ठीक है, खेत में किसान खतरे में है, उससे बड़ा देश की दोनों रीढ़ की हड्डियां हैं जय जवान जय किसान का नारे वाला ये देश है। और इस देश के अंदर दोनों ही खतरे में, जवान और किसान, तो उनको बचाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मोहित जी तो ये थे हमारे साथ, मोहित जी जो बता रहे थे सरकार की जो खामियां थी उसे खोल रहे थे और आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा मैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।